भाई यार मैंने सुना हम दुबई जा रहे हैं। हाँ मजे करेंगे, मियां खलीफा पे चढ़ेंगे। अरे वो मियां खलीफा नहीं, बुर्ज खलीफा होता है। ऐसा कट कर देना, सॉरी। बात सुन मैडम, जिन यारा खत्तर गनी टाटे करी ने तो तेरी पटपड़ी पे बिल्डोजर चढ़ा दूंगो, फिर तेरे पापो कहेगो ए बेटे मौज कर दी, वाह बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई तुम। वक्त वक्त की बात है, पहले लोग ज्वेलरी छुपाते थे, फिर लोग सैलरी छुपाने लग गए, और अब गैलरी। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी। तो टैग करो उस दोस्त को जो जिम करता है कि तुम फिट हो जाओगे, हमें ये यकीन दिलाना छोड़ दो कि तुम फिट हो जाओगे, हमें ये यकीन दिलाना छोड़ दो, और सालों जिम बाद में करना, पहले ही हिंट दे रहा हूँ, समझ जाओ गाइस। ढूंढने में तुम्हें भगवान में मिलेंगे, लेकिन मेरे जितना मासूम दोस्त नहीं मिलेगा, मगर तुम भसूड़ी लोग समझते का मुझे। हेलो डॉक्टर। हाय। मैंने ना यार प्रोटेक्शन यूज की थी, फिर भी मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई, पता नहीं कैसे। अच्छा चलो तो मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन ना एक शिकारी गन की जगह अम्ब्रेला लेकर शिकार पे चला गया। सामने शेर आया और उसने गन की जगह अम्ब्रेला खोल लिया एंड शेर मर गया। ऐसे कैसे हो सकता है, किसी और ने बंदूक चलाई होगी। एग्जैक्टली। ये मैं हूँ और ये मेरे तीन बच्चे, और मैं यहाँ पे पागल हो रही हूँ। मम्मी ने मेरे चाचा माना, वो बहुत बुरी है। इसे नहीं बोलते बेटा, मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लाइफ लाइन तो दूर की बात है, मेरी तो लाइफ ही लाइन पर नहीं है। बेबी सुनो। हाँ बोल। तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बॉबी देवल। बहुत अच्छा एक्टर है। उसने मुझे वैलेंटाइन पे नो किया, मैंने कहा ट्रस्ट मी दिस इज रियल मी, तेरा मेरा हर जगह कारवां होगा। देन शी सेड इज दिस मी माय सेल्फ एंड आई सोलो राइड अंटिल आई डाई। मैंने कहा तेरे को सांप सूख गया, और निखिल तू हार मत मान। खुशी की मम्मी ने खुशी के पापा से कहा आपसे मिलकर खुशी हुई। इतने ज्यादा मैसेजेस लड़कों के, अल्लाह तौबा, तुझे पता है सुंदर होना भी ना एक परेशानी है। तू तो टेंशन फ्री होगी फिर। अरे भाई इसे क्या हो गया? भाई नोरा फतेह का फैन है, तुझे क्या हो गया? तेरा भाई मोनी रॉय का फैन है। ओढ़नी ओढ़ू ओढ़ू पर हमें क्या, हम तो सपना चौधरी के फैन है। अरे बाबरी क्या कर रहे हो तुम, मैं मारूंगा तुमको। भाई देख क्या माल है, भाई माल से ज्यादा भाभी कैसी है। रिलेशनशिप की बात तो छोड़ो, मुझे तो दोस्ती में भी जलन होती है। मेरा दोस्त सिर्फ मेरा, वरना मुझे चाहिए ही नहीं। यार तुम कितने क्यूट हो ना, काश तुम भी होते। कृपया ध्यान दे यहाँ नहीं अपनी पढ़ाई पर। बेवजह मुझसे ब्रेकअप करके बोली कि तेरे जैसे 36 आएंगे 36 जाएंगे। मैंने भी मुस्कुरा के कह दिया भगवान तेरे इस धंधे को और भी आगे बढ़ाए। बजा दे गुल। ये ना तू नीचे, किससे पूछ के गया? ऊपर आओ रिची, ऊपर आओ, चलो। किससे पूछ के गया तू? बाहर जाना है इसमें, उनके पास देखो गेट खोल के जा रहा है। रिची देख रही हूँ मैं, देखो दिख रहा है तू, जाके दिखा बाहर। ना ना खुली, रिची लाइफ बनती है रिस्क से, और चूतिया बनते हैं इश्क से। बाबू मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, क्या करूं? अरे तुम लटका करो, लटकने से लंबे होते हैं। लटकने से अगर लंबे होते ना तो कुछ चीजें जमीन चूरी होती। शकल खराब, हालत खराब, मूड खराब, किस्मत भी खराब, अब लोग कहेंगे तेरे तो मजे ही मजे, वाह भाई वाह, मौज कर दी। वाह बेटे मौज कर दी, वाह मौज कर दी, वाह बेटे वाह।
हमने तो वफा की थी, उसी ने दिल तोड़ा मेरा। एक दिन आके पूछने लगी हमसे, क्या याद आती है मेरी, हमने भी कह दिया अल्लाह बड़ा मेरा। एक्सक्यूज मी मैम, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। व्हाट इज योर नेम? जी रंजना। कभी नाली में गिरा हो? हाँ। बहन, मेरा भाई ना गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, पता कैसा लग रहा हूँ? मेरा भाई किसी से कम है क्या? बाहर निकलेगा ना तो चार पांच लोग कहेंगे भैया कति कुत्ते लग रहे हो। कमीज से बोला कर। तेरा प्यार पाने के लिए मैंने कितना इंतजार किया, और उस इंतजार में ना जाने कितनों से प्यार किया। अरे आंटी जरा लाइन देना। बेटा जरा लाइन देना उसको। ये लाइन देने को बुला ना तेरे को। गरिंदी पूरी अपने बाप पे गई है। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। सच्ची? हाँ। मैं सिर्फ एक पिज्जा सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक पीके सो जाऊंगी। बढ़ाओगे तो पूछूंगा ना क्या बोल रहा था। क्या तेरा पाप? एक बात बताओ, जब तुम तनाव में होती हो तब क्या करती हो? मंदिर चली जाती हूँ। बहुत बढ़िया, वहाँ पे जाके ध्यान लगाती हो ना? नहीं नहीं, उनके जूते चप्पल मिक्स कर देती हूँ। जब उनको ढूंढते हुए टेंशन में देखती हूँ ना तो मेरा टेंशन दूर हो जाता है। तेरा दो मिनट में निकल जाता है सूर्या, तेरा तो खड़ा ही नहीं होता। तू चेक करने आया था क्या? तेरी गर्लफ्रेंड ने बताया। दूर रह तू उससे, वो खुद आई थी मेरे पास। गलत कर रहा है तू, बाप को मत सिखा। एड्स है उसे, बिना कोंडम के सेक्स करने वाले एड्स है। एक मिनट, क्या बोला? एड्स है उसे। सारा दिन वेट करते हैं कि रात को बात करेंगे, पूछी पूछी पूछू पूछू करेंगे, लेकिन साला रात को लड़ाई हो जाती है। कोई प्यार ही नहीं करता मुझको तो। कृपया ध्यान दे, यहाँ नहीं अपनी पढ़ाई पर। एक होते चलाक लड़के, फिर होते बहुत चलाक, फिर आता है ऐसे लड़के जो पूछते हैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है। मेरा बॉयफ्रेंड आसमान में रह गया, जाओ उतार के ले आ। मतलब घुमा फिरा के बोलना जरूरी है, सामने सामने नहीं पूछा जाता कि बॉयफ्रेंड है कि नहीं। अब की बात किसी ने पूछ लिया ना तो ऐसी लात मारूंगी ना कि उगांडा में पहुंच जाएगा, बता रही हूँ मैं। और फिर इन्हें बोल दो सिंगल है तो मानते नहीं है, ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही हो। फिर अगर गलती से हमें इनसे प्यार हो भी जाएगा ना, फिर पता क्या बोलेंगे? तुम तो बहुत अच्छा लड़का, डिजर्व करती हूँ मैं तुम्हारे काबिल का। अबे पोपटलाल निकल। दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती, बस रास्ते में भंडारा नहीं होना चाहिए। यार आज मेरा मूड बहुत खराब है। तेरी बहन है ना, पता कैसे ठीक होगा तेरा मूड? बस एक और खा ले, अब ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाँ। आई लव यू। आई हैव अ बॉयफ्रेंड। कहाँ जा रहे हो? दारू लेने। आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के होशन में। स्लो मोशन। मैंने अपनी पूरी लाइफ सबको इग्नोर किया सिर्फ वो एक इंसान के लिए, और आज मैं सिंगल हूँ क्योंकि वो एक इंसान मैं था। खुद पे फोकस किया है मैंने, अपने पे फोकस करो। तुम्हें क्या लगा अपना दुखड़ा सुनाऊंगा तुम्हें? बेटा इधर आइयो। हाँ बोलो। ये मेरी एक्स की बेटी का फोटो है, तुझे इसे पटाना है, और जब शादी का नंबर आए ना तो बोल दियो पापा नहीं मानने, ठीक है? चार से पांच बार। बस इतना ही क्यों? उससे ज्यादा स्टैमिना नहीं है मेरे पास। तुझे पता है किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, वरना तू जिसके ऊपर हंसेगा ना उसके जैसा ही हो जाएगा। साला अंबानी। माय बेबी, माय बाबू, माय गुज्जू मुज्जू, शादी करोगे मुझसे? अबे प्रपोज कर रही है कि गोद ले रही है?
अभी जिंदा हूँ तो बात कर लिया करो। मरने के बाद अगर मैंने बात करनी शुरू कर दी ना तो तावीज बनाते फिरोगे।